में ऐसे चिन्हों को लेके आते हैं जिनके पीछे बहुत से राज और एक लंबी दास्तान होती है। और आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, उनका तल्लुक शोबिज की दुनिया से है। आपने इनके बहुत से ड्रामा सीरियल में ऐसे किरदार करते हुए देखा होगा जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। नामवर चेहरे और शोबिज में अपना नाम और पहचान बनाने वाले ऐसे शख्स जिनको आपने ड्रामा सीरियल नागिन में एक जहरीले सांप को मुंह में उठाते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबर नागी की। आइए बात करते हैं बाबर नागी से। बाबर नागी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक का। बाबर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कितनी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी, जैसे कि आप मॉडल और एक्टर हो, शोबिज की दुनिया से रिलेटेड हो, तो आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ? बचपन से शौक था या आपको किसी ने बताया कि आप मॉडल और अच्छे मॉडल और एक्टर बन सकते हैं? ये क्रेज तो मुझे बचपन में था। सो साथ साथ ज़िंदगी के जैसे जैसे लम्हात गुजरे तो मुझे लगा कि मुझे इस काम में आना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एक तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी लोग इसमें आना चाहते हैं तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें स्टार्ट मैंने थिएटर से किया था, स्टेट ड्रामा से, लेकिन उसमें इतनी पजीराई नहीं मिल रही थी। देन मैं स्नैक्स के बारे में, मुझे क्रेज़ था स्नैक्स परफॉर्मेंस का, तो मैंने बहुत सारी जगह से, इंटरनेट से और बहुत सारी जगह से स्नैक्स के बारे में जानना शुरू कर दिया कि स्नैक्स कैसे रहते हैं, ये बाइट कैसे करते हैं, हम इंसान के दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो उसमें एक स्ट्रगल चलते चलते मैंने फिर 2014 में आके तो एक स्नैक परफॉर्मेंस की थी सांपों के साथ। वो परफॉर्मेंस मेरी पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद फिर काम आगे से आगे मिलता रहा, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। फिर मॉडलिंग की फील्ड में मैंने एक स्ट्रगल की जिसमें मैं जानना चाहता कि आज मॉडल्स जो है उनको पता ही नहीं कि मॉडल होता क्या है। बिल्कुल। लेकिन हमने इसके ऊपर पूरी सर्च की कि मॉडल होता क्या है, इसकी स्टडी की, मॉडल का काम क्या है, वर्क क्या है, मॉडल की वॉक्स कौन सी है। आज लड़के वॉक कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं कैट वॉक कर रहा हूँ, लेकिन कैट वॉक तो गर्ल्स के लिए होती है, ऐसे ही ठीक है। लेकिन हमारी फील्ड में जो चल रहा है लेकिन बेहतर है। सो मैंने मॉडलिंग में भी अपना जब स्नैक के साथ एक वॉक किया तो वो एक सबसे डिफरेंट लगा और उसी की वजह से मुझे मजीद और पजीराई मिली। और इसी दौरान चलते चलते फिर ड्रामास में भी काम मिलना शुरू हो गया, जैसे कि ड्रामा सीरियल नागिन में बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर के शो मिले। सो सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब कि पाकिस्तान से बाहर जाके हम दुनिया के सबसे बड़े शोज़ जैसे कि अरब गॉट टैलेंट शो, अरब का सबसे बड़ा शो है, तो उसमें जब वो बोलते हैं कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो तब एक प्राउड फील होता है कि हमने अपने वतन के लिए कुछ किया है। तो पूरे पाकिस्तान को प्राउड होता है, जो भी पाकिस्तान से या बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं तो वो भी कहते हैं यार ये शो देखो, हमारा पाकिस्तानी नौजवान इसमें परफॉर्म कर रहा है। सो वो एक मुश्किल लम्हा ज़रूर था जो कि मुझे किंग कोबरा को मुंह के साथ उठाना था। और किंग कोबरा भी ऐसा था जो कि पॉइजनिंग था और वहाँ पर चैलेंज हुआ था कि क्या अगर आप इसको उठा लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो आपकी डेथ बॉडी वापस भेजी जाएगी। मुझसे एग्रीमेंट करवाया गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्लाह पाक को याद किया, अपने माँ बाप को याद किया दिल में और पाकिस्तान को याद किया। मैंने कहा पाकिस्तान की इज्जत लेके यहाँ पे आया हूँ और मैंने परफॉर्म किया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ और आज भी एक रिकॉर्ड है और ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी ये रिकॉर्ड है 2015 में जो कि स्पिटिंग किंग कोबरा को मुँह से उठाने वाला एक पाकिस्तानी बाबर नागी है। तो सांपू के साथ आपकी दोस्ती कब और कैसे हुई? ये जब मैं तकरीबन 2002 में मुझे सांपों का क्रेज़ हुआ, स्ट्रगल करते करते 2014 तक मैंने उन पर स्ट्रगल की, इंटरनेट पे स्ट्रगल करना, फिर मुख्तलिफ जोगी जो होते हैं उनसे मिलना और सांपों के बारे में, इनके बारे में जानना कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये कैसे रहते हैं, इनका काटते क्यों हैं, इनके जहर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो उसके बारे में जहाँ भी जा सका मैंने इसके बारे में सर्च की। 2004 में परफॉर्मेंस की, लेकिन इसके ऊपर मेरी स्ट्रगल जारी रही, तो आज भी इस पर स्ट्रगल जारी है। जो कि शायद यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि सांप कितने कीमती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बनाई है तो वो किसी एक मकसद के लिए बनाई है। पाकिस्तान में अगर सांप ना हो तो, चूँकि सांप कुछ रेड स्नैक होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, जिसे चूहे खाने वाले सांप कहते हैं, अगर ये सांप ना हो तो हमारे जो खेत हैं इनको चूहे बर्बाद कर दें। ये खेतों को चूहे उतना सा बर्बाद करते हैं जो कि खेतों की एक वो गुड़ाई हो जाती है कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जब उसको नुकसान पहुंचाने की बारी आती है तो सांप उनको खा जाते हैं। और जो वेनमस स्नैक है, जो जहरीले सांप है, पाकिस्तान में 75% स्नैक तो वैसे ही नॉन वेनमस है और जो कुछ जहरीले सांप है जिसमें कोबरा है, रसल वाइपर है, कॉमन क्रेट स्नैक है, इनका जहर इतना कीमती है कि अगर पाकिस्तान में इनके जहर पर सरकारी लेवल पर काम हो तो
तो कंफर्म कर सकते हो कि पाकिस्तान में जितने सांप है पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं इनके जहर को सेल करके, कि सांपों का जहर इतना महंगा है। मैं रिसेंटली आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा जी हम यू पार्क में एक स्नेक हाउस बनाना चाहते हैं जहाँ पे यहीं पे लैब बनेगी और हम चाहते हैं कि आपसे हम कुछ फ़ायदा उठाएं और यहीं पे सांपों के जहर से एंटी वेनम और कैंसर की जो मेडिसिन है वो बनाई जाए और जो हमारे पास ज़्यादा हो वो हम बाहर के ममालिक को सेल करके पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो, उसकी रकम पाकिस्तान है। उसके ऊपर बातचीत चलती रही, लेकिन बाद में ये हुआ कि कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों ने ये चीज़ें तैयार करवाई उनका हाथ, मैंने उनको तैयार करवा के दी, सब कुछ किया। उसके बाद वो जहर हासिल करके बाहर प्राइवेट कंपनीज को सेल कर रहे हैं और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट भर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि जो सांप का जहर होता है इससे बहुत सी अद्वियात जो है वो बनाई जाती हैं। किस किस्म की अद्वियात बनाई जाती हैं और किन किन बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं? सबसे पहले जो कि कैंसर की मेडिसिन है उसमें सांप का जहर यूज होता है। ओके, ठीक है। और सांप का जहर जो कि कॉमन क्रेट्स है जिसे हम यहाँ पे संगचूर कहते हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा महंगा सांप का इसी सांप का जहर है कॉमन ट्रेड का। इसकी कीमत इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कि हमें जो कि डीलर लोग आके देते हैं पीछे इसकी कीमत और ज़्यादा, इसकी 10 लाख रुपए 1 ग्राम जहर की कीमत है। ओके, ठीक है। करना चाहता मैं भी ये बिजनेस कर सकता था लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैंने जहाँ भी गया हूँ मैंने लोगों से यही बात की, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला, बड़े बड़े सियासतदानों से मैं मिला हूँ और उनसे ये कहा कि हम मैं ये कर सकता हूँ, अगर मेरे में ये टैलेंट है, मैंने इसमें स्ट्रगल की है तो मुझसे कोई फ़ायदा उठाए आप लोग। सो बातें तो सबने की लेकिन जिसने भी सोचा अपने बारे में बेहतर सोचा। अच्छा, ये सांप के मुतल्लिक जो बताया जाता है इसमें अक्सर कहते हैं कि लाइसेंस वगैरह भी होता है, स्पेशली लिया जाता है, इससे मुतल्लिक कुछ? मैं ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ और जो मन में होता है वो जुबान पे होता है। लाइसेंस होता है स्नेक का पाइथन का, इसके अलावा किसी स्नेक का लाइसेंस नहीं है। ठीक है, पाइथन एक नॉन वेनमस स्नेक है और इसे पेट के तौर पर रखा जा सकता है, ये पालतू सांप है, लेकिन ये लाइसेंस उसे इशू किया जाता है, इंटरव्यू होता है जो कि इसकी केयर कर सकता है, जो कि इसको पाल सकता है, इसकी केयर कर सकता है, इसको अच्छे माहौल में रख सकता है। लेकिन हमारा वाइल्ड लाइफ 1500 रुपये में चिट बना के दे देता है, जाओ रख लो सांप, ठीक है। और जिन लोगों को पता है वैसे इसकी रेप्टाइल कोई भी उसकी जो फीस है सरकारी वो 20,000 रुपये है। लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ के ऑफिस में आज भी चले जाए तो वहाँ पर बाहर ही जाके आप चपरासी से मिल रहे यार एक चिट चाहिए ये जानवर रखा है, उसने कहना मेरी पॉकेट में थोड़े पैसे दो तो मैं करवा के ला देता हूँ। लेकिन इससे दुख होता है कि उन लोगों के पास ये सांप जाते हैं जिनकी केयर नहीं करते और ये मारे जाते हैं। आज हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे सांप थे जो कि ये पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन, झेलम वाली साइड पर बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका इतना का शिकार हुआ है, इतना का शिकार हुआ कि थैलों में भर के ये आ रहे हैं और ज़रा सा जो लोग इनके बारे में जानते भी वो भी इनको खरीद रहे हैं और घर में रख रहे हैं और कुछ अरसे बाद ये मर जाते हैं। अच्छा, सांप है, इसके मुंह में दांत भी होते हैं, जैसे कि आप बताया कि आप जहर भी नहीं निकालते हैं, ठीक है, तो आप अगर ये आपको काट ले, जैसे अक्सर आपने देहातों में देखा है कि लोगों को सांप जो काट लेते हैं बहुत से हादसा पेश आते हैं, तो उनको क्या ऐसी तदबीर करनी चाहिए जिससे फौरन उनकी जान बचाई जा सके? सबसे पहले तो प्रेफर करते हैं कि अगर किसी स्नेक ने काट लिया, बाइट कर लिया, तो उसमें पहले देख लें कि क्या वो वेनमस स्नेक है या नॉन वेनमस, उसके भी तरीके हैं। जो वेनमस स्नेक होता है उसके 2 वेनम फैंग होते हैं, 2 दांत होते हैं जहर वाले सेपरेट, और वो जब बाइट करता है तो वो 2 दांतों का निशान आता है सिर्फ, ठीक है। जो नॉन वेनमस होता है उसके तकरीबन कोई 10-20 दांत एक साइड में होते हैं, 10-20 एक साइड में, वो जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पे बहुत सारे दांतों के निशान होते हैं, उसे बहुत सारे निशान है, ठीक है। तो वो नॉन वेनमस स्नेक होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं होता, जख्म भी जो है वो भी थोड़ी देर में पानी से धोते हैं तो साफ हो जाता है। लेकिन वेनमस स्नेक ने अगर काट लिया है फौरी तौर पर देखे कि हॉस्पिटल नज़दीक है तो वहाँ पर जाए सबसे बेस्ट जो है, ठीक है। और उसके बाद ये कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, क्योंकि जितनी स्पीड में ब्लड सर्कुलेट करेगा उतनी स्पीड में उसका जहर जिस्म में ज़्यादा सर्कुलेट करेगा। तो सबसे पहले अपनी सांस को धीमा करें, अपने आप को रिलैक्स करें और स्लोली हॉस्पिटल पहुँचें। हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है तो उसमें यह है कि अगर हाथ पे बाइट किया या टांग पे तो थोड़ा ऊपर रख के उसे इतनी ज़ोर से बांध लें कि ब्लड सर्कुलेट ना कर सके। उसके बाद जहाँ पर भी सांप ने बाइट किया वहाँ से ब्लेड के साथ कोई भी चीज़ है उससे कट लगा दें, छोटे छोटे क्लट कट लगा के जितना भी वहाँ से ब्लड निकल सकता है उस ब्लड को निकाल लें, पानी से नीम गर्म पानी से धोते हैं उसको निकाल लें, ठीक है। उसके बाद सांप के जहर से ये होता है कि इंसान का जो ब्लड है वो पतला हो जाता है, इसके वाइट सेल ख़त्म हो जाते हैं, वो इतना पतला हो जाता है कि नाक से बहना शुरू हो जाता है, कानों से, आँखों से, जिस्म के किसी भी हिस्से से पसीने की तरह भी बहना शुरू हो जाता है। उसमें यह होता है कि उसमें फौरी तौर पर
इंसान को ब्लड की ज़रूरत होती है, उसको ब्लड चाहिए, ब्लड लगना चाहिए। ओके। लेकिन अगर वो ज़ख़म से शुरू हुआ है, ज़्यादा होता है कि ज़ख़म से ब्लड नहीं रुकता फिर, क्योंकि वो एक रास्ता होता है, वहाँ पे पिंकी मिलती है अक्सर, पानी की टंकियाँ साफ़ करते, वो पिंकी वहाँ पे लगा ली जाए तो ब्लड रुक जाता है। ठीक है। उसके अलावा यही है कि एक काली पिसी मिर्च अक्सर घरों में होती है, उसे अगर नीम गर्म दूध में मिला के पी लें तो उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है, और सांप के काटने के फौरी बाद कोशिश करें कि वॉमिटिंग आ जाए। ओके। वॉमिटिंग आने से बहुत सारा जहर है जो कि वो इस तरीके से बाहर आ जाता है। हालांकि सोचने में तो ये आएगा कि जहर कौन सा डायरेक्ट मैदे में जाता है, वो तो ब्लड में है, लेकिन एक कुदरती अमल है कि वॉमिटिंग करते हैं तो वो जो कुछ ना कुछ उसका असर कम होता है। ठीक है। अच्छा, आप बचपन में भी ऐसे संजीदा थे या शरारती थे? बचपन में काफ़ी शरारती था और काफ़ी हैप्पी रहता था, लोगों को तंग करता था, बहुत सारी शरारतें करता था, लेकिन जैसे जैसे सर पे पड़ी और अपना ज़िंदगी जीने का पता चला कि हमने ज़िंदगी अब जीनी है, खुद जीनी है अपने बलबूते पे, तो फिर संजीदगी से थोड़ा हटते गए। और यही सीखा ज़िंदगी का एक तजर्बा है कि सच बोलो, बिल्कुल झूठ ज़िंदगी से ख़त्म कर दो। सच बोलो, किसी को बुरा लगे वो आपको छोड़ दो, वो बेहतर है। झूठ बोल के किसी को साथ रखोगे तो कल को उसका एतबार टूटेगा, तो वो जिंदगी में दोबारा एतबार नहीं बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, घर आके में भी अपने करदार में ही रहते हैं या चिटचैट होती है घर में फैमिली के साथ? घर में बहुत तन्हाई में रहता हूँ, पहले होता था लेकिन आजकल बहुत ही तन्हाई में बैठना पसंद करता हूँ। रीजन क्या है तन्हाई में रहने की? रीजन ये है कि मैं बेसिक बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो चुका हूँ। ओके। सभी से? आप फील्ड के लोगों से हैं या फिर वैसे? मैं तकरीबन सभी लोगों से डिसहार्ड हो चुका हूँ कि आज अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो आपके पीछे पीछे है, लेकिन जिसे मदद चाहिए उसके पीछे कोई नहीं है। ठीक है। आज एनजीओस काम कर रही है, मैंने बहुत सारी एनजीओस के लिए बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया है, यहाँ तक कि एनजीओस को घर ले के दिए हैं कि यहाँ पर आप बैठे, ये आपकी प्रॉपर्टी है, उनके लिए चंदा मैंने इकट्ठा किया दिन रात सांपों के साथ परफॉर्म करके, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एनजीओस खुद खा रही है, कुछ भी नहीं दिखाने के लिए कुछ होता है और खा खुद रही है कि फिर डिसऑर्डर होता है इंसान। आज किसी को मुझसे काम है तो वो मुझे कहेगा बाबर नागी तुझसे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, तू सबसे अच्छा है यार, तू वेरी गुड, तुम्हारा काम ही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मेरा काम कुछ नहीं, आप अपना काम बताओ, काम क्या है आपको? अच्छा, जैसे कि आपने बहुत से ड्रामों में काम किया, तो नेक्स्ट अगर आपको किसी फिल्म में चांस मिलता है, तो जैसे कि आपने बहुत से स्टंट भी किए हैं, तो आप आगे क्या वर्किंग फिल्मों में काम करना पसंद करोगे? मुझे बहुत सारी फिल्म से ऑफर हुई, लेकिन ऑफर इस तरह हुई कि बाबर नागी साहब, एक नागिन मूवी पाकिस्तान की भी आई थी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा बाबर नागी साहब स्नेक चाहिए, आपने हमारी नागिन मूवी में छा जाना ये वो। जब जाके बात की तो कहते जी हम पे नहीं आपको करेंगे, तो आप साइड हीरो का आपका करेक्टर है। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, वो साइड हीरो वो था जो कि सिर्फ सांप प्रोवाइड करने वाला था। ठीक है, तो मैंने उस पर फिर इनकार कर दिया। फिर उसके बाद भी मूवीज़ की ऑफर हुई, यही था बाबर नागी साहब बजट नहीं है, लेकिन अब ये सोचा है मेरा काम अच्छा है, बजट दे मुझसे काम करवा लें। बिल्कुल। सारी ज़िंदगी तल्लक निभाया है, हर किसी के साथ मोहब्बत की है और हर किसी से जूते ही खाए हैं। यही बात है कि जूते खाने वाली बात होती है, आप तल्लक निभाते मुँह पे वो आपका है, बाद में वो दोस्तों को ये कहेगा देखा मैंने काम निकाल लिया कि नहीं, तू कह रहा था ये 2 लाख रुपये शो का लेगा, मैंने तेरे सामने उसे दिया है 500 रुपये गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, वो आके कर गया। अब हम तल्लक नहीं अब निभाने पर रह जाते हैं और पीछे से हमारी बुराई होती है। सब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामों में अब अपने आप को किस मुकाम पे देखते हो? मैं इंशाल्लाह जब जो अब मैंने सोचा ना, जो इंसान खुद गर्ज हो जाता है ना वो इस दुनिया में कामयाब है। खुद गर्ज हो जाओ, अपने काम से मुखलिस हो जाओ, काम की हद तक तल्लक रखो, किसी पर एतबार ना करो, किसी के साथ दिल की बात ना करो अपनी, आप अच्छे रहोगे। अब लगता है काफ़ी डिसार्ट है इंडस्ट्री को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके या ड्रामों से? हमारी शोबिज इंडस्ट्री में ना कुछ अजीब किस्म के लोग आ चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री बेहतर हो रही है। हमारे यहाँ पे तल्लक चलता है, चमड़ा चलता है। तल्लक है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है, टैलेंट है तो कुछ नहीं है। आज हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे टैलेंटेड, आप टिकटॉक पे देख लो, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं टिकटॉक पे, वो फेमस है लेकिन उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। और बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के लोग इंडिया जैसे ममालिक में जाकर परफॉर्म करके आते हैं, और मैं खुद इंडिया गया हूँ, मैंने वहाँ पर अपनी कदर देखी है, मैं लेबनान गया हूँ, मैंने अपनी कदर देखी है कि यहाँ से अबू धाबी तक हम प्लेन में यहाँ से गए, आगे से अबू धाबी से प्राइवेट प्लेन उनका लेने आया, और उन्हें उनके इमिग्रेशन वालों ने हमें जाते फूलों के हार पहनाए हैं और हमें वेलकम किया, बुके दिए। उनका प्राइवेट प्लेन था, उसमें पूरे स्टाफ ने सेल्फीज ली
और वेलकम करके मैं बिठाया। उधर लेबनान में गए हैं, सनिल होटल में सबसे अच्छा रूम हमें दिया और वहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट की कि पता चला कि आर्टिस्ट की कुछ कदर होती है, आर्टिस्ट क्या है। और पाकिस्तान में वापस आया हूँ, मेरा 3 दिन का टूर था लेबनान का, पाकिस्तान में वापस आया हूँ तो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, डिपोर्ट हो गए हैं, 3 दिन में वापस आ गए, तलाशी दो, क्या लेके आए। मैं कह रहा हूँ ये हमारा पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की तलाशी भी ले रहे हैं, उसको तरह तरह की बातें भी सुना रहे हैं। और वो एक मुल्क था जहाँ पे हमें इमिग्रेशन वालों ने तलाशी की बजाय हमें वेलकम किया, फूलों के बुके दिए और हमारे साथ सेल्फीज ली और प्रोटोकॉल दिया। अच्छा बाबर, मैंने सुना है कि जब आपने नागिन ड्रामा में काम किया था तो आपको इंडिया से भी ऑफर हुई थी नागिन ड्रामे की। जी बिल्कुल, इंडिया से ऑफर हुई थी नागिन ड्रामे की। सबसे पहले मेरी उनके फेसबुक पेज पे बात हुई, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे मिसयूज़ हो रहे हैं तो आपके पास रियल स्नेक, आप रियल परफॉर्म करते हैं, आप हमारे साथ पास आ जाएं। लेकिन मेरा खतरों के खिलाड़ी पार्ट 3 जब मैंने अक्षय के साथ किया था उसमें कुछ इशू ऐसे बने थे जो कि उन्होंने वीडियोज़ भी डेल कर दी हैं कि मुझे वहाँ से चोरी निकलना पड़ा, कुछ तंजीमें थी। चूँकि मैं सांपों के साथ परफॉर्म करता था, बहुत सारे इंडियन ये समझते थे कि उनके भगवान हैं जो कि सांपों के साथ हो, तो वो मुझे उनकी दूसरी शक्ल समझते थे। वो अक्सर आके मुझे कहते हैं हमने आपको दूध से नहलाना है, कभी वो पाँव आके पकड़ते थे आपके साथ सांप ऐसे। तो एक उनकी तंजीम थी जो पीछे पड़ गई कि ये पाकिस्तान का जासूस है, बैरूपी है, तो ये हमारे लोगों को वर्गलाना है। तो उन लोगों ने फिर वहाँ से मुझे निकाला छोड़ी। उसके बाद फिर मैंने उनका इनकार कर दिया, मैं नहीं आना चाहता। लेकिन जो हमारे नागिन ड्रामा के लोग थे उन्होंने मुझे कहा जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने उनको कहा जी मुझे यहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है, तो मुझे काम नहीं दिया जा रहा तो आप मुझे काम दें, तो ये तो हमारी फिर इंसल्ट हुई। तो लेकिन मेरे पास वो सारे मैसेजेस मौजूद थे जो फेसबुक पे मेरे चैट हुई थी, वो फिर मैंने शो आउट किए। मैंने कहा ये देखें ये मैसेजेस हैं, कॉल जो आई वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन ये नंबर है, ये मैसेजेस हैं, इसमें देखें वो लोग क्या कह रहे हैं और मेरा क्या जवाब है। मैंने इनकार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे फ़ख्र है मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान में अपना नाम भी बनाऊँगा। मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं, जिन लोगों की मैंने हेल्प की अपनी ज़िंदगी में वो लोग तो मुझे जानते हैं पर्सनली कि मैं कैसा इंसान हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, अभी मेरे फेसबुक पे देखो तो तकरीबन जब भी डाटा ऑन करूँगा तो बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं। एक लड़की का मैसेज आ रहा है जी मैंने सुना आपकी 20 शादियाँ हुई हैं। मैंने कहा आपने सुना है तो चलो होगी होगी, तो आपने सबको छोड़ दिया। मैंने कहा देखिए आप सुन के इंटरटेन हुई हैं, आप इंटरटेन हो इतना काफ़ी, पर्सनल लाइफ में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक कह रही है जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, दुनिया इधर की इधर आ जाए, आप 20 शादियाँ कर लो, 50 कर लो, मैं आपकी हूँ। मैंने कहा बेटा सबसे पहली बात, मैं झूठे इंसान को साथ नहीं रखता। मैं आपको अभी ऐड कर लूँ, अभी व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप बात करोगे 24 घंटे के बाद मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा क्योंकि आपके झूठ सामने रख दूँगा। अच्छा ये तो होगी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने इतने जहरीले सांप पाल रखे हैं तो अपनी फैमिली के बचाव के लिए आप क्या तदबीर करते हो? ये कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा सांपों से दूर रखता हूँ क्योंकि ये इतना इनके बारे में नहीं जानते जो कि मैं जानता हूँ। सो मैं इनको सेपरेट रखता हूँ सांपों से, अपनी फैमिली को, और इनके लिए कोशिश यही होती है कि इनको माहौल ऐसा दिया जाए सांपों को कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारें। सांप बाइट भी तब करते हैं जब वो परेशान होते हैं, जी उनको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा सर्दी लग रही है, उनको चोट पहुँच रही है, वो किसी भी वजह से परेशान है, तब वो बाइट करते हैं स्नेक। सो बाकी मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता हूँ। मैंने सुना है कि आपको शेर व शायरी का भी बहुत शौक है। हाँ पोइट्री ऐसी है मेरी कि मैं खुद ही लिखता हूँ और खुद ही भूल जाता हूँ बोलने से पहले और लिख के मैं छोड़ देता हूँ, बहुत सारी पोइट्रीज है और वो भूलने की भी आदत अब हुई है, पहले नहीं थी। कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? अच्छा जी शेयर, छोटा सा लफ्ज है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल के खाक जिया करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा शेर है। और मैं तन्हा सांपों से खेल लेता हूँ, मैं तन्हा सांपों से खेल लेता हूँ मगर कभी किसी के दिल से नहीं खेलता। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी लाइफ में मुश्किल वक्त आया हो तो उस वक्त आपने खुद को कैसे संभाला? लाइफ तो इंसान की है एक मुश्किल, इस दुनिया में आना ही, कोई कितना भी अमीर है, कोई कैसा भी है, उसके लिए जिंदगी में इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, ये लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। सो लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त आ जाते हैं जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सो इंसान बहुत डिसाइड होता है। लेकिन जब रिसेंटली मुझे बहुत दफ़ा स्नेक्स ने बाइट किया, मैं अपना इलाज खुद कर लेता था और अपने आप को कवर कर लेता था, लेकिन इस दफ़ा मैं परफॉर्म कर रहा था और मेरे अंगूठे पे बाइट किया स्नेक ने, कोबरा ने, और गलती मेरी थी, सांप की गलती नहीं थी, और वो वेन में इंजेक्ट हुआ। वेन में इंजेक्ट होने के फ्यू मिनट्स बाद वो मेरी बॉडी में सर्कुलेट कर चुका था, और जो कि मैं परफॉर्म कर रहा था परफॉर्मेंस की वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ थी और उससे बहुत ज़्यादा वो स्पीड में ब्लड गया।
मैंने फौरी तौर से अंगूठे को बांधा, लेकिन इतनी शदीद पेन इसकी होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैंने फिर जब सोचा कि ब्लड तो चल चुका है, बांधने का फ़ायदा कोई नहीं, इसको खोल दो। खोला है तो फौरी तौर पर मैंने देखा मेरे पास मेडिसिन नहीं थी जो मैं यूज़ करता था, और मैं था भी भलवाल में। वहीं से मैं फौरी निकला हूँ, गाड़ी में बैठा, गाड़ी बाहर लाया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा सर चकराना शुरू हो गया। मैंने फौरी 112 पर कॉल की है, और 10 मिनट में रेस्क्यू वाले आए। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर खड़ी की, उसके साथ गाड़ी में बैठा, उसने बरनौला लगाया और वहाँ पे हॉस्पिटल में गए हैं। तो मैंने उसे बताया कि मुझे ब्लैक कोबरा ने बाइट किया है, सो प्लीज़ कोई गलत एंटीवेनम मत लगाना। मुझे ब्लैक कोबरा ने बाइट किया और उसका जहर इंजेक्ट हो गया है मेरी बॉडी में। और डॉक्टर ने कहा चले ठीक है, आपने बता दिया, क्योंकि ये होता है कि अगर मुझे कोबरा ने बाइट किया तो एंटीवेनम मुझे रसल वाइपर का दे दे तो वो उल्टा मुझ पर रिएक्ट कर देगा, वो नुकसान देगा। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से सांप ने बाइट किया है, उसी का एंटीवेनम लगता है। तो मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो 9:05 हुए हैं, मेरी ज़िंदगी का ये लम्हा मुझे कभी नहीं भूलेगा। और मेरे जिस्म की इतनी कि जान टूट रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बस अब मेरी जान निकलने वाली है। तो डॉक्टर ने कहा हौसला रखना, आँखें नहीं बंद करनी, कुछ नहीं होता। मैंने डॉक्टर से एक बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर आज मौत आई है तो मौत आके रहनी है, मैं बेफिक्र हूँ, बस दुआ करता हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे चाहने वाले खुश रहे। और मैंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के घड़ी की तरफ देखता हूँ, 9:05 और मेरी आँखें बंद हो गई। 9:10 पे मेरी आँखें खुलती हैं और मेरे गले में बहुत पेन हो रही है, यहाँ पर नाली लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है। और मैं देखता हूँ कि 5 गुजरे हैं और मुझे पाइप भी लगा है, गले में पेन भी हो रही है, ड्रिपें भी चल रही हैं, ब्लड की बोतल भी लगी हुई है, इतनी जल्दी ये सब। तो डॉक्टर आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब 5 में इतना सब कुछ, मेरे गले में बहुत पेन है। कहता सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप 48 के बाद होश में आए। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको होश आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने ये स्नेक रखा हुआ, इसका नाम क्या है? जो मेरे पास अभी है ये इंडियन रॉक पाइथन है, ये नॉन वेनमस स्नेक है, इसमें जहर नहीं होता। okay. और ये पेट के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको जानते हैं, इसकी नेचर को समझते हैं, क्योंकि ये खतरनाक है बच्चों के लिए। इसकी एज क्या है? ये अभी जो है मेरे पास इसकी मेरे ख्याल से 8 to 9 ईयर्स एज है, 8 to 9 साल। तो ये क्या खाते पीते हैं? ये रैबिट लेता है, जिंदा रैबिट, और इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं खाता। ओके, और इतने ज्यादा मैं अवार्ड देख रही हूँ कि आपको जो मिले हैं, ये कब कहाँ किस परफॉर्मेंस पे मिले हैं? ये सबसे ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस जो हिट रही है वो स्नेक परफॉर्मेंस थी, जो कि मैं करता था। ये एक सूफियाना कलाम था, इश्क बेपरवाह, जिसमें मैं खुद को आग भी लगाता था, और मेरा 5 बहुत हिट है। और उसके अलावा स्नेक्स के साथ मेरी परफॉर्मेंस ऐसी होती थी कि मैं उस परफॉर्मेंस को करते हुए खुद को भी भूल जाता था कि वो परफॉर्मेंस मैं दिल से करता था। और उसी परफॉर्मेंस में मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा, पाकिस्तान से बाहर गया, मतलब टीवी चैनल्स पे, और मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में मैंने शोज़ किए हैं, और 700+ मेरे पास अवार्ड्स हैं। अभी कुछ तो ये पड़े हैं, कुछ जो कि टूट फूट के डिब्बों में बंद पड़े हुए हैं, कुछ अंदर वाले रूम में पड़े हुए हैं। ओके, अच्छा, इसके प्रोग्राम के आखिर में कोई खूबसूरत सा कोई ऐसा डायलॉग जैसे आपने कोई आपका फेवरेट हो किसी ड्रामे के हवाले से या किसी की? मेरी एक आदत है, मैं एक ऑडिशन पे गया था, मुझे उन्होंने एज अ जज बुला लिया, ऐसे ही पता नहीं क्यों बुला लिया, बल तो मैं इस काबिल तो हूँ नहीं, तो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट भी आए थे, तो उन्होंने एज अ जज बुला लिया। मैं वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगा थोड़ा टाइम हो। ओके, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल जाए, वहाँ से बड़ी बड़ी दूर से लोग आए जो कि ऑडिशन देने के लिए आए, और बहुत मेहनत और स्ट्रगल वाले लोग। एक बच्चा आता है, वो भी परफॉर्म शुरू ही करने लगता है तो जज साहब कहते हैं बेटा तुम नहीं कर सकते, जाओ जाके कोई और काम करो। मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे फील हुआ यार इसकी जगह, एक दिन मेरे ऊपर भी ये वक्त था कि मैं ऐसे आया था, मेरे साथ ये सब हुआ था। एक लड़की आई है सामने, उसे देख रहे हैं तो वो बेड़ा गर्क कर रही है एक्टिंग का, और उसे जज साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं आप दोबारा कर सकते हैं, एक चांस और देते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आप आगे अपना नाम कमा सकते हैं। अगर जी मैंने उनके साथ बात की कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने थे, यही आप देखें कि मैं एक आया हूँ बच्चा जो कि आपसे कहा यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आया हूँ, आपको मेरा काम नहीं पसंद आया, आप इनकार कर दो, ठीक है, और मैं बताऊँ। सो मैं वहाँ पर परफॉर्म की कोशिश करूँगा, थोड़ा मैं एक्टिंग में इसको परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बाबर है और मैं लाहौर से हूँ, और मुझे एक्टिंग का शौक है। और एक्टिंग क्या मुझे उन्होंने दी है कि आप ऑडिशन पर आए, आपको इनकार हो गया, तो अगर रियल में आपको इनकार हो जाए आप क्या करोगे, आपके दिल में क्या है? ओके जी, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। आज मेरी माँ भी जिंदा होती ना, आज मेरी माँ भी जिंदा होती ना, तो मेरे मुंह में भी नवाले डालती,
आज मैं तुम्हारे हाथों की तरफ ना देखता। माँ का साया जब सर पे होता है ना तो दुनिया की कोई मुसीबत कुछ नहीं लगती। माँ इस दुनिया में सबसे बड़ा साया आपके सर, जब तक आपकी माँ आपके सर पे ना आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। सो जिनके सर पे माँ नहीं है ना उनके सर पे कुछ भी नहीं है। तो जज साहब कहते हैं बेटा ये माँ बाप वाले बहुत हो गया, अब चलो निकलो, चाहे कोई और काम करो, ये एक्टिंग शिक्टिंग छोड़ो। सर प्लीज सर, सर एक चांस सर, मैं बहुत दूर से हूँ सर, सर सिर्फ एक चांस सर, मैं कुछ और नहीं कर सकता, मुझे एक्टिंग का बहुत है, मैं यही करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता। बेटा कहा ना जाओ, चलते बोलो, टाइम शॉर्ट। लड़का बाहर जाता तो खड़ा हो कहता है या अल्लाह पाक, तुझे तो पता है मेरा घर रेंट का है, तुझे तो पता है मेरे पापा बीमार है, तुझे तो पता है मेरी सच में मां नहीं है, छोटी बहनें है ना उनके स्कूल की फीस देनी है, मैं जितनी भी मेहनत कर लूं मजदूरी कर लूं मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी अपना नाम कमाना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन आज आज दिल टूट गया है। मैं अपनी बहन को यह कह के आया था कि आज मैं सिलेक्ट हो चुका और आने वाले ड्रामे में मैं पूरी दुनिया को नजर आऊंगा और तुम बाहर से अपने स्कूल में कहोगे कि ये मेरे भाई है, मगर अब तो मैं तुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मैं तुझे भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। जैसे वो चलता हुआ जाता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वह गाड़ी से टकराता है, इस दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या वो जजेस इसकी मौत के जिम्मेदार हैं? अगर एक बंदे में टैलेंट उनको नजर आ रहा था तो क्या वो उसको चांस नहीं दे सकते? उनको ज्यादा जरूरी था कि वो लड़कियों को खड़ा करके देखे और चांस पे चांस दे। ये हमारे पाकिस्तान में हो रहा है आज और ये मैंने अपनी स्ट्रगल में देखा है। मुझे काम नहीं मिलता, ना मिले भाड़ में जाए काम, मेरा अल्लाह है मुझे देने वाला, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाखों कमाया और वो बहनें देख रही हैं कि मैं आज फखर से कहता हूँ 18 यतीम बच्चियों की शादियां धूमधाम से मैंने अपने पैसे से, अपनी मेहनत के पैसे से करवाई हैं। वो बहनें आज देख रही होंगी जो कि जिन बहनों को मैंने पॉलर स्टार्ट करवा के दिए, वो बच्चे जिनके घरों में मैंने राशन, वो हमारे शो भी इसकी रिपोर्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज वो रिपोर्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने कई बार कहा कि बाबर नागी एक वक्त था मेरा डिवोर्स हुआ, मेरे बच्चे घर पे भूखे थे और तुमने हमें आके खाना खिलाया था। मैं करता रहूंगा जो मेरा दिल करता है, मैं अपने दिल की करूंगा, लेकिन एक बात, गरीब बंदे के मैं साथ हूँ, मुखलिस बंदे के मैं साथ हूँ, झूठ बोलने वाले से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरे आज भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग ब्लॉक कर, मैं झूठे बंदे के साथ रिश्ता नहीं रखता। जी बाबा नागी, आप ये बताइए कि जैसे कि आपको शोबिज का शौक था, आपने एक्टिंग और मॉडलिंग से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर आपको नाग पालने का शौक हुआ, कि डांस की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? मेरी कोशिश ये होती कि मैं वो सब करूं जो सब कर रहे हैं, जो अच्छा है, जो मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता मैं वो भी करूं। Okay. सिर्फ सांप ही नहीं, मैंने शेर भी पाले थे और शेरों के साथ मेरा सर्कस में भी परफॉर्मेंस होता रहा, लेकिन उन्हें फिर क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं उनको रख सकूँ उनके माहौल में, इसलिए उनको ख़त्म किया। सो डांस मैंने परफॉर्म किया स्नेक्स के साथ ही फर्स्ट टाइम, और बस उसके बाद क्रेज हुआ लोगों ने, एक चीज जो जिसे लोग अप्रिशिएट कर देना फिर वो लोग okay. वो इंसान खुद करता है यार इस चीज़ में मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो मुझे अप्रिशिएट किया डांस में। सो डांस में भी मैंने उसको फिर मजीद आगे बढ़ाया। देखिए लोगों ने एक्टिंग की और मॉडलिंग से ज्यादा आपके डांस परफॉर्मेंस को पसंद किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और डांस ऐसा था कि मैं जो भी दिल चीज करता हूँ ना वो दिल से करता हूँ, मैंने एक्टिंग करनी है तो दिल से करनी है, मैंने डांस करना है तो दिल से करना है, और जो भी काम कर रहा हूँ उसे मैंने दिल से करना है। सो मेरा डांस था वो एक सूफियाना कलाम इश्क बेपरवाह, तो वो मैं हमेशा अपनी वालदा को डेडिकेट करता था कि मैं अपनी वालदा से इश्क करता हूँ, और जब मैं परफॉर्म करता था मैं उनके इश्क में ही करता था और मैं सब कुछ भूल जाता था, और देखने वाले हमेशा यही कहते थे बाबर नागी ज़रूर तेरे साथ बेवफाई हुई है, बाबर नागी को ज़रूर इश्क हुआ है। तो मैं कहता था कि इश्क खुदा से होता है, इश्क खुदा के रसूल से होता है, इश्क दोस्तों से होता है, इश्क
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होता है, इश्क माँ बाप से भी होता है, तो इश्क लाजमी नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही होता है, इश्क के और बड़े रंग हैं। अच्छा बाबर, आप अपने देखने वालों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहोगे? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज अब गौर से सुनिएगा, कान खोल के सुनना है आपने, ठीक है? अपने दिल का शीशा जो है उसे हमेशा साफ रखें। ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं और दिल को सुकून चाहते हैं ना, तो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से झूठ का लफ्ज ख़त्म कर दें। सच बोलेंगे चाहे अगला जैसा भी हो, उसे बुरा भी लगे, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, इसने सच बोला है। ना झूठ सुने ना झूठ बोले, सच बोले सच सुने, ज़िंदगी तरक्की में आएगी, दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह पाक भी खुश, आप भी खुश। सच बोलोगे बुराई से बचोगे, सो प्लीज़ सच बोले। और सांपों से दूर रहें, सांपों को मारे मत, कहीं भी नज़र आए रेस्क्यू वॉल 122 पे कॉल करें, उनको ट्रेनिंग होती है वो आके ले जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में बचाते हैं, या फिर मेरे पास वो सांप आ जाते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, आपका अपना बाबर नागी। जी नाज़रीन, आज हमने बाबर नागी से आपको मिलवाया, जिन्होंने अपने घर में इंसानों से ज़्यादा सांपों को पाल रखा है। आपको बाबर नागी से मिलकर हमें लगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बाबर नागी जैसे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे मौका फ्राहम करने की। उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।